खूब सारा पैसा, नेम फेम, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े घर, मतलब कि टोटल एक सक्सेसफुल इंसान आजकल के टाइम पर कौन नहीं बनना चाहता, जिसको कि पूरा करने के काफी सारे रास्ते हैं। लेकिन कुछ लोग इन सपनों को पूरा करने के लिए MLM यानी कि मल्टी लेवल मार्केटिंग का सपना दिखाते हैं और जिसको पूरा करने का वादा भी करते हैं, जिसे नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है, जहाँ पर हम सभी लोग अलग अलग डिस्ट्रीब्यूटर बनकर पैसा कमा सकते हैं, जिसके अंदर आते हैं फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट, वेस्टेज, ओरिफ्लेम, क्यूनेट, हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन और ऐसी काफी बड़ी बड़ी कंपनियां आजकल के टाइम पर चल रही हैं और बहुत सारे लोग आपको इससे जुड़ने के लिए फोर्स भी करते होंगे। तो फिर आज की इस वीडियो में हम MLM की 5 ऐसी कड़वी सच्चाई के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको आज तक किसी भी MLM करने वाले बंदे ने नहीं बताई होगी। और जितनी भी बातें हम आज की इस वीडियो में करने वाले हैं, वो सारी बातें रिसर्च एंड एक्सपीरियंस बेस्ड है और कोई भी बात बिना उसे पूरी तरीके से जाने हुए नहीं की गई है। तो फर्स्ट नंबर पर आता है इनका फेक लाइफ स्टाइल, जो कि ये लोग हमें दिखाते हैं, जिसमें ये सभी लोग हमेशा सूट बूट पहने रहते हैं और ऐसा दिखावा करते हैं कि इनके पास खूब सारा पैसा है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता। ये लोग शो ऑफ करते हैं ताकि लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट हो और इनके नेटवर्क मार्केटिंग में ऐड हो। और देखो, हम पैसा तभी कमा सकते हैं जब हम किसी की लाइफ में कोई वैल्यू प्रोवाइड करवाते हैं, जैसे कि मनी इज ए बाय प्रोडक्ट ऑफ वैल्यू क्रिएशन। लेकिन ये लोग कोई वैल्यू तो प्रोवाइड करवा नहीं पाते जिससे कि ये लोग उससे पैसा कमा पाए। तो ये लोग मेनली दो चीजों को टारगेट करते हैं। फर्स्ट है ड्रीम्स, ये बड़े बड़े सपने दिखाते हैं, और सेकेंड है ये अपनी लाइफ स्टाइल को दिखाते हैं कि पहले हम कैसे थे और MLM ज्वाइन करने के बाद हम कैसे हो गए। तो बेसिकली ये लोग हमें अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। ये लोग हमेशा यही बोलेंगे कि हम आपको अमीर बना देंगे, आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप बहुत जल्दी अमीर बन जाओगे MLM के थ्रू। और ये सभी बातें बस हमें अट्रैक्ट करने के लिए बोली जाती हैं। और रियल लाइफ में इनका भी लाइफ स्टाइल बिल्कुल ऐसा नहीं होता जैसा कि ये लोग हमें दिखाते हैं, पर उसके बावजूद भी हम इनकी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाते हैं। पर एक कहावत है ना कि हर एक चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, वैसे ही इन फुट बुट वालों की लाइफ स्टाइल जैसे हमें दिखती है, रियल में ऐसा कुछ नहीं होता। तो फिर सवाल ये आता है कि आखिर ये लोग ऐसा करते क्यों, ये अपनी फेक लाइफ स्टाइल क्यों दिखाते हैं। तो फिर इसके पीछे भी एक राज है। अगर आपसे कोई बोले कि आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, 8 से 10 घंटे काम करना होगा और दिन से रात मीटिंग्स करनी होगी, उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आप उसमें सक्सेस हो पाओगे कि नहीं, तो फिर आप बताओ क्या हम उस चीज को करना पसंद करेंगे? जाहिर सी बातें नहीं करेंगे। वैसे ही ज्यादातर लोग होते हैं, उन्हें खींचने के लिए ये लोग अपनी फेक फूट बूट वाली लाइफ स्टाइल और गाड़ियां दिखाते हैं, जिसे कि अगर एक बार कोई भी सोशल मीडिया पे देख लेगा तो वो भी इनकी तरह लाइफ स्टाइल जीना पसंद करेगा। और अगर रियल में देखा जाए ना, तो इनके पास उसका 10% भी नहीं होता जो कि ये लोग हमें दिखाते हैं। और उसके साथ साथ आपको इस बात का भी पछतावा होगा कि आप इनके जाल में फंस चुके हो। और अगर कोई भी इनके इस पूरे स्कीम को समझ लेता है और डिमोटिवेट होके जाने लगता है, तो फिर उसे रोकने के लिए और हमें मोटिवेट करने के लिए ये लोग हमें बड़े बड़े चेक्स दिखाते हैं कि देखो हमारे सीनियर्स कितना सारा पैसा कमा रहे हैं और आप भी कमा सकते हो, ताकि आप लोग वहाँ रुके रहो। और उनके बड़े बड़े चेक्स और पे आउट देकर हमें भी लगता है कि वाओ, ये लोग कितना सारा पैसा कमा रहे हैं। लेकिन इसमें सच बात ये है कि क्या आपने कभी उनसे पूछा है कि उनकी इस टाइम नेट इनकम क्या है? तो फिर नेट इनकम होती है कि हमारे पास जितना भी पैसा यानी कि रेवेन्यू आया है, हम उसमें से सारा का सारा एक्सपेंसेस निकाल दें। और इनके एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि ये लोग अपना सारा का सारा पैसा सेमिनार में ही खर्च कर देते हैं। और फिर उसके बाद जब आपको इनकी नेट इनकम का पता चलेगा ना, तो आप बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाओगे और आप बस यही सोचोगे, यार मैं तो बहुत ज्यादा गलत फंस गया। और फिर उसके बाद आपको रोक कर रखने के लिए ये लोग एक्सट्रीम मोटिवेशन स्पीचेस का यूज करते हैं, जो कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा की MLM के ऊपर एक वीडियो है, आपको वो देखने के लिए बोलेंगे और कंपाउंड्स की पावर के बारे में बताएंगे। मतलब कि ये लोग आपको बस उस टाइम फुल मोटिवेट करने की कोशिश में लग जाएंगे। और नेक्स्ट, जो ये लोग हमसे झूठ बोलते हैं कि MLM के थ्रू हम पैसिव इनकम कमा पाएंगे, तो पैसिव इनकम का झूठ बोला क्यों जाता है? और पैसिव इनकम का मतलब होता है इजी मनी, जो कि रियल में ऐसा कुछ नहीं होता क्योंकि स्लीप एंड अर्न जैसी कोई चीज ही नहीं है। हम सोते सोते कभी भी लाइफ टाइम तक पैसा नहीं कमा सकते, हम कुछ दिनों तक के लिए पैसिव इनकम भले कमा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई मकान है और हमने उसे रेंट पर दिया है, जिससे कि हमें हर महीने रेंट आ रहा है, पर कब हमारा किराएदार उस मकान को छोड़कर चला जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो फिर क्या हम उस टाइम पैसा कमा पाएंगे? जाहिर सी बात नहीं कमा पाएंगे। तो फिर इतनी बड़ी प्रॉपर्टी होने के बावजूद भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम लाइफ टाइम तक पैसा कमा पाएंगे, तो फिर 2 से 2 जोड़ा हुआ MLM हमें लाइफ टाइम तक पैसा कमा के दे सकता है? नहीं ना। तो फिर क्या आपको लगता है कि पैसिव इनकम जैसी कोई चीज होती है? अगर पैसिव इनकम होती भी है पर MLM के थ्रू, तो बिल्कुल नहीं होती। एंड नेक्स्ट, अगर आप MLM करोगे तो आपके फ्रेंड्स कम हो जाएंगे वरना रहेंगे ही नहीं, जो कि ये एक रियलिटी है। फॉर एग्जांपल, अगर आप MLM में जुड़े हुए हो तो फिर आप अपने फ्रेंड से बोलोगे कि आजा भाई तू भी MLM में ज्वाइन कर ले, जो कि आपको MLM के सेमिनार्स और ग्रुप डिस्कशन में सिखाया जाता है। और फिर आपके फ्रेंड ने मना कर दिया कि नहीं भाई मुझे नहीं जुड़ना, तो फिर आप उसे फोर्स करोगे, जिससे कि आपकी दोस्ती पे दरार आना शुरू हो जाएगी। और ज्यादातर केसेस में तो ये देखा गया है कि इसके बाद MLM वाले आपसे बोलते हैं कि आपके फ्रेंड का माइंडसेट काफी ज्यादा छोटा है, वो अपनी लाइफ में कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते, आपको तो ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहना ही नहीं चाहिए। और वो ऐसे ही आपको काफी ज्यादा मोटिवेशन दिए जाते हैं, लेकिन कुछ भी, आपकी दोस्ती तो टूट ही जाती है। अगर नहीं टूटती तब भी आपका आपके फ्रेंड
ब्रांड के साथ वो पुराना वाला बॉन्ड तो नहीं रहेगा। और हाँ, जो आपको MLM में जोड़ते हुए कंपाउंड की पावर के बारे में सिखाया जाता है, मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे फेल हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए आपने अपने फर्स्ट लेवल के अंदर 6 लोगों को जोड़ लिया और फिर वो 6 लोग अपने अंदर 36 लोगों को जोड़ेंगे, जिससे कि सेकंड लेवल भी कंप्लीट हो गया, और ये 36 लोग अपने अंदर 6-6 लोगों को जोड़ेंगे तो फिर ये 216 लोग हो जाएंगे और ये थर्ड लेवल हो गया, और ऐसे फोर्थ लेवल पर 1296 लोग होंगे, और फिर ऐसे ही कर करके अगर हम 12th लेवल पर जाएंगे तो फिर 2.1 बिलियन लोग होने चाहिए, जो कि इतनी तो इंडिया की पॉपुलेशन भी नहीं है। और फिर ऐसे ही कर करके अगर हम 13 लेवल पर जाएंगे तो फिर 13 बिलियन लोग होने चाहिए, जो कि इतनी तो पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन भी नहीं है। तो फिर इससे ये बात तो साफ है कि MLM में सभी लोगों को नहीं जोड़ सकते, तो फिर MLM के थ्रू पैसा भी वही लोग कमा पाएंगे जो कि इस प्रामीण वाली सेफ में सबसे ऊपर बैठे हुए हैं, और फिर उसके नीचे वाले भी थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो ऊपर के 3% लोग होते हैं वो तो काफी अच्छा खासा पैसा कमाते हैं, और जो नीचे के 7% लोग होते हैं वो भी ठीक ठाक पैसा कमा लेते हैं, लेकिन जो बाकी के 90% लोग होते हैं वो सिर्फ अपना पैसा लगाते हैं, वो कमा नहीं पाते। और MLM के नेक्स्ट झूठ की बात करें तो फिर ये बोलते हैं कि ये एक पार्ट टाइम काम है और यहाँ आपका फायदा छोड़ कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, और अगर एक्चुअल में देखा जाए तो MLM ज्वाइन करने के बाद आप अपना पैसा और टाइम दोनों खोने वाले हो। और स्टार्टिंग में ये लोग बोलते हैं कि ये एक जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है, जो कि एक्चुअल में ऐसा कुछ होता ही नहीं है। कोई भी बिजनेस वो बिना इन्वेस्टमेंट के स्टार्ट किया ही नहीं जा सकता, लेकिन फिर ये लोग भी हमसे कुछ अमाउंट चार्ज करते हैं और फिर बोलते हैं कि उस अमाउंट के बदले ये हमें कुछ प्रोडक्ट्स देंगे, और उसमें से ज्यादातर प्रोडक्ट यूजलेस होते हैं, पर उसके बाद ये बोलेंगे कि ये एक जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस है। और अब आप बताओ कि आप किसी को ऐसे यूजलेस प्रोडक्ट दिखाकर और MLM की स्कीम बताकर ज्वाइन करा सकते हो? नहीं, मेरे ख्याल से तो बिल्कुल नहीं। उसके लिए आपको इसमें ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा और आपको काफी ज्यादा मुश्किल से लोगों को ऐड करना होगा, और जिससे कि ये बात तो साफ हो जाती है कि यहाँ आपका पैसा और टाइम दोनों ही बेकार होने वाला है। और MLM में ज्यादातर लोग पैसा नहीं कमा पाते, पर मैं ये भी नहीं बोल रहा कि कोई भी पैसा नहीं कमा पाता, पर ज्यादातर लोग नहीं कमा पाते। तो फिर यही कुछ डार्क साइड्स थी MLM की, जिसे कि नेटवर्क मार्केटिंग भी कहा जाता है। और अगर आपने कभी MLM ज्वाइन किया तो फिर आपको इसके बारे में पता ही होगा, और अगर आप फ्यूचर में करना चाहते हो तब भी आपको इसके बारे में पता चल ही जाएगा। और आपका MLM के बारे में क्या कहना है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।